एक डिस्काउंट पच्चीस प्रतिशत का है दूसरा डिस्काउंट एक्स परसेंट का मतलब नहीं पता है कि दूसरा डिस्काउंट क्या क्या है है कह रहा इफ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज फोर एटी रूपए चार सौ अस्सी रुपए है तब एक्स की वैल्यू क्या होगी क्लियर है चार सौ अस्सी का सामान था दो डिस्काउंट में दो सौ अट्ठासी का बेचा गया है इसमें से पहला डिस्काउंट है यह भी दे रखा है आइए कैसे करेंगे देखते हैं पहला ठीक है मार्क प्राइस दे रखा है कितना मार्क प्राइस चार सौ अस्सी चार सौ अस्सी पे पहला डिस्काउंट कितना पच्चीस प्रतिशत का दिया जाएगा अगर पच्चीस का डिस्काउंट निकाला जाए पच्चीस का, मतलब 4 4 4, 4, का डिस्काउंट होगा तो एक सौ बीस का डिस्काउंट देने के बाद सौ घटाएंगे तीन सौ बचेगा बीस घटाएंगे तीन सौ साठ सौ साठ रुपए का रह जाएगा एक डिस्काउंट के बाद अब हमें एक्स परसेंट का डिस्काउंट और देना है अभी एक्स परसेंट किस पे होगा तीन सौ साठ पे होगा और डिस्काउंट कितने में बेच रहा है ये क्वेश्चन बताया सर 288 में बेचा गया है वो कितने का है तीन में से दो घटा देना है दस में से आठ घटेगा दो ठीक है यार आ जाएगा पांच पांच में से आठ घटेगा सात सत्रह हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा पंद्रह में ये क्या है डिस्काउंट है ये डिस्काउंट कितने पे दिया गया है तीन सौ साठ पे दिया गया है हमें दूसरा डिस्काउंट का परसेंटेज यानी एक्स की वैल्यू निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज यानी हम कह सकते एक्स परसेंट क्वेश्चन में X दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी डिस्काउंट का परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क मल्टीप्लाई बाई सो सौ परसेंटेज में बताने के लिए सौ से गुणा किया करते हैं सो से गुणा क्लियर डिस्काउंट दिया है कितना सेवेंटी टू का डिस्काउंट दिया गया है सेवेंटी टू का डिस्काउंट दिया है किस पे दिया है तीन सौ साठ पे दिया गया है इन टू सौ बहत्तर पंजे होता है तीन सौ साठ इससे कटेगा बार बीस बार यानी कि ये आ जाएगा कि दूसरा डिस्काउंट कितने का है बीस प्रतिशत का है उम्मीद है बात को समझ हो गए हो गई यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा अगर ऑप्शन देखा जाए तो बीस परसेंट कौन सा ऑप्शन है पहला वाला ओके थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर